बंदर की टोली आ गई, कोई चीज के लिए गया हुआ ना किसी को, बंदर की तो भाई डरा मत तू। और गाइस यहाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, एक से एक सामान पड़ा है क्योंकि जंगल है भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं और दीपांजल भाई आए हैं हम घूमने, हमारे घर के पास एक नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क। सो गाइस ये लगा हुआ है बोर्ड और आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क, और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में थोड़ी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे हिंदी में, एक कोट लिखा हुआ है बीच में इसका, अगर किसी को मतलब पता है तो मेरे को जरूर बता देना कमेंट में और बाकी लोगों को भी ताकि पता लग सके। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्थापना इसकी कौन से ईयर में हुई थी और ये इसका क्षेत्रफल क्या, यानी इसका क्या एरिया है, कितने एरिया में जंगल फैला हुआ है। और ये दीपांजल भाई क्या कर रहा है तू, है भाई क्या लिखा, बाहुबली बांध मसाला। तो गाइस यहाँ भी हमें बाहुबली मिल चुका है। और वो सामने आपको मैं दिखाता हूँ, सामने बोर्ड लगा हुआ है रुड़की, जो कि हमारा होम टाउन है रुड़की। अभी हमें दो मिनट ही खड़े हुए और मच्छर ही मच्छर, मतलब आपको नहीं दिख रहे होंगे कैमरे में लेकिन भाई बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पे क्योंकि जंगल के एरिया है तो थोड़े मच्छर ज्यादा है, उड़ा है ना सारे। तो चलो अब चलाता हूँ स्कूटी, चल चला ले, स्कूटी चला रहा है तो स्कूटी चलाएगा दीपांजल। और हम जा रहे हैं अभी डाट काली के मंदिर के पास, तो यहाँ पे पास में मंदिर है डाट काली देवी का। लेट्स गो। दीपू भाई रेडी हो चुके हैं पूरे, चलो भाई चाबी तो दे दे इसकी, बिना चाबी के चलाएगा क्या, रुक मैं दे रहा, ले पकड़ कैमरा पकड़, चाबी तो मेरे पास है, ले चलो। तो ये हम अपना बैग भी साथ में ही लेके आए थे, इसमें कुछ सामान है हमारे, कैमरा माइक वाइक। चलो भाई दीपांजल। एक मंदिर यहाँ पे ये है प्राचीन सिद्ध पीठ श्री माँ भद्रकाली, तो ये भी एक मंदिर है। और ये आपको जो सामने यहाँ पे टनल दिख रही है ये देहरादून की पुरानी वाली टनल है, यानी अगर किसी को सहारनपुर से और रुड़की से देहरादून आना होता था तो इस टनल में को आते थे और इस टनल में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था, तो इसलिए अभी एक नई टनल बना दी गई है और वो टनल भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आपको अगर टनल अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें भाई, लाइक करते हुए चले वीडियो को, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है लाइक से काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी हमारी देहरादून की पुरानी टनल, अब जब हम वापस जाएंगे तो हम वापस जाएंगे न्यू वाली टनल से। और सामने आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है मंदिर, तो मंदिर भी दिखाते हैं। ये है मंदिर, तो अब आज हम मंदिर में नहीं चल रहे गाइस क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना है, थोड़ी हमें ना वीडियो शूट करनी है, एक मेरे को थोड़ी दूसरी वीडियो कंटेंट शूट करना है। प्यारा व्यू है यहाँ पे, मतलब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, मजेदार व्यू है। और वो देखो गाइस नीचे हाईवे है पूरा, वहां से मतलब जो मेन हाईवे है देहरादून आने का, और आपको दिख रही होंगी एक कार छोटी छोटी सी। और गाइस आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, रोक ले एक मिनट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारा फ्लाईओवर बन रहा है मोहंड से लेके देहरादून तक का, अभी तो मेरी नॉलेज में यही है। तो इससे क्या होगा ना, अगर कोई रुड़की से या फिर सहारनपुर से दिल्ली से देहरादून आएगा तो आने वाला टाइम बहुत कम लगेगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे क्योंकि अभी पहाड़ों में ना यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमारी साइड। और वहाँ पे सामने न्यू वाली टनल, कौन से वाला है ये, नहीं भाई ये कोई और सा पेड़ है, आई थिंक ये गुल्लर है। सो गाइस ये देखो इस पे ना, ये जो एक पेड़ है इस पे छोटे छोटे कुछ फल लगे हुए हैं, अभी तो थोड़े क्लियर नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो आप बताना। ये देखो ये रेड से और ग्रीन से थोड़े फ्रूट लगे हुए हैं, सो आई थिंक ये गुल्लर है, और आई थिंक सो कि ये गुल्लर ही है। आराम से बस ट्रक के पीछे ही रखियो, सामने से गाड़ी आ रही होगी ना। और गाइस बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। और ये देखो ये है हमारे देहरादून आने की न्यू वाली टनल। और आप ऊपर देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है टाइगर 15 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 15। तो गाइस ये दोनों साइड जंगल है पूरा, और अभी हम देख रहे हैं कुछ रास्ता हमें मिल जाए थोड़ा सा, थोड़ा मतलब ताकि हम अंदर जा पाएं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व का, 250 मीटर आगे है, हमको तो पता ही है। तो भाई कितने सारे बंदर यहाँ पे, भाई बंदरों की लाइन लग चुकी, तो हमको जिस जगह पे भी रुकना है ना देख के रुकना पड़ेगा क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है।
तो फिलहाल तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हाँ बिल्कुल यही लोकेशन है। अगर शेर आ गया डर लग रहा हूँ। चक्कू है, चाबी है, चाबी से काम हो जाएगा। पर अगर जंगलों में जाएं, मतलब अगर जंगलों में जा रहे हैं तो कोई कुछ चाकू वगैरह लेके आना चाहिए साथ में, या फिर कुछ भी कोई शार्प सी चीज़ लेके आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जानवर आ सकता है। और सेल्फ डिफेंस के लिए कोई तो चीज़ लेके आनी चाहिए। हमारे पास बस सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाबी है। पत्ते के ऊपर भी कांटे भाई साहब, पत्ते के ऊपर भी कांटे हैं। पिछले लोग अटैक ना करते हमारे। और यहाँ दीपांजल की बुरी तरह पकी हुई शेर से, सुनसान जंगल है। पर अभी तो शाम हो जाएगा, ऐसी जगह पे रात को आ गए। मैं भी ये बोलने वाला था कि शाम को तो और सुबह में तो यहाँ पे आ भी जाओ, रात को भाई कोई नहीं आ सकता, इतना खूंखार जंगल है ना। देखो सामने, देखो भाई साहब पत्ते गिर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, आपको दिख नहीं पा रहे इसमें। यहाँ पे शायद लोग आए हुए हैं क्योंकि ना कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं। पिकनिक स्पॉट बना रखा है लोगों ने इसका ना। और अब हम करने वाले हैं यहाँ पे चैलेंज, रात को रुकने वाले हैं हम यहाँ पे। लिविंग 24 आवर्स इन दिस जंगल। हाँ, लिविंग 24 आवर्स इन जंगल विदाउट वाटर एंड फूड। चलो भाई, स्कूटी कहाँ खड़ी है हमारी? टार्जन की तरह। तो यहाँ पर शेर को बुलाने की तैयारी चल रही है। देख जाल बिछा रखा किसी ने शायद। अबे गड्ढा पेड़ वेड़ शिफ्ट करा होगा यहाँ से। तो क्या है यहाँ पर सोने की जगह बनाई हुई है शेर की। हेलमेट कहीं भी रख दे यार। शेर नहीं देखा वो तो भी बढ़िया सी। तो वो देख वो और पॉटी पड़ी किसी की है, किसी की पॉटी पड़ी है। पॉटी तेरी तो नहीं है, दिखा भाई कहाँ। इस तक गिन जाएंगे तो भाई खतरनाक चीज है। बस हम अपनी डेडलाइन क्रॉस कर रहे हैं अब। और गाइस बहुत गंदा डर लग रहा है भाई, बहुत सारी जगह पड़ी है। ये देखो एक किसी जानवर की पॉटी है, आई थिंक भाई हाथी की होगी। हाथी की है ना। और ये देखो भाई ये क्या है क्या नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है भाई। और किसी की नहीं है क्योंकि भाई इतनी सारी पॉटी कोई और जानवर खरीद नहीं सकता एक साथ। इतने ज्यादा मात्रा में इतनी ज्यादा क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी और थोड़ा ताजा ताजी सी भी लग रही है। अभी अभी आया होगा हाथी। चल 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 चल, बैग उठा बैग उठा बैग उठा भाई, भाग गया ना उसके भाग गया। और गाइस हमारे पीछे बंदर है अभी एक, और डर लग रहा है भाई ऐसे से देख रहा है वो, हमें घूर रहा पागल उसे ना देख के बाहर बाहर। और गाइस डर लग रहा है पूरा मुझे तो, ऊपर से यहाँ पे पत्ते भी गिर रहे हैं बार बार। आ रहा है भाई, तो बिल्कुल ऐसे चौड़ में आ रहे थे। आ रहे क्या? आ रहे हैं तो नहीं आ रहा भाई साहब। बस जैसे ही हम गए ना भाई तभी बंदर आया यहाँ, और वहीं से आए थे भाई हम, वहाँ से आए थे। और गाइस अब पता क्या हो रहा है, ऊपर से ना पत्ते भी गिर रहे हैं। अबे चप्पल छोड़ तू, बंदर की टोली आ गई। कोई चीज से लेकर गया हुआ ना किसी को, बंदर की टोली भाई, डरा मत तू। और गाइस यहाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, एक से एक सामान पड़े हैं क्योंकि जंगल है भाई। बाहर आ चुके हैं अपनी फैमिली के पास, और अब चलते हैं वापस घर पे। थोड़ा सामान लेना है घर का वो ले लेते हैं बस। लेकिन मज़ा आ गया आज पूरा जंगल में, और एक्सपीरियंस मज़ा था, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा भाई। चीज़ें भी कैसी कैसी पड़ी है, फूल क्या फूल पड़े थोड़े से। तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? डरावना डरावना। तो किसी और दिन भी जाएंगे जंगल में, मज़ा आएगा। तो ये तो अभी अपने घर के लिए सब्जी ले ली है, गोभी और भिंडी आलू, तो 200 रुपए की सब्जी ली है। चिड़िया कहाँ है? कहाँ है चिड़िया? ओ भाई साहब वाह कितनी प्यारी चिड़िया है, है? थोड़ी सी पूंछ लाल है इसकी। हाँ वीडियो को करते हैं एंड। आज है नेक्स्ट डे और वीडियो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट पे लिख के हमको जरूर बताइएगा। अब बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए, धरती को हरा भरा बनाए रखिए।